father-in-law थे, वो बाटा शू कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे. देन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस और ये पॉइनियर फैक्ट्रीज में से है, कंपनी है सियालकोट की. और फिर मेरे हस्बैंड ने टेक ओवर किया और उन्होंने फिर एक्सपोर्ट का शुरू किया. एंड ही यूज़ टू टूर अ लॉट और उन्होंने इधर उधर, बिल्कुल उस वक्त एक्सपोर्ट का इतना ट्रेंड भी नहीं था जब उन्होंने, हमने जब एक्सपोर्ट शुरू की. और फिर उनका अनफॉर्चुनेटली एयर क्रैश हो गया. देन आई टुक ओवर द कंपनी. मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई इसको टेक ओवर करने में, बट उनकी कमी जो है और जो उनका था वो तो मैं नहीं पूरा कर सकती. मगर ये है कि उसी पैटर्न पे मैं चल रही हूँ और जो अब न्यू टेक्नोलॉजीज या जो आ रही हैं उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. अक्सर होती हैं क्योंकि इसमें बड़ी स्किल्ड लेबर चाहिए शूज़ के लिए. इट्स अ वेरी सेंसिटिव आइटम और बड़ी प्योरली स्किल्ड चाहिए. तो इसके लिए ये होता है हमें डेट अचीव करने में मसले काफ़ी आते हैं. लेदर लेट हो जाता है, कुछ मौसम की वजह से भी मसला पड़ जाता है. बट अल्लाह का शुक्र है कि उसकी मेहरबानी से बड़ा अच्छा काम चल रहा है. चाइना और बांग्लादेश काफ़ी आगे और इंडिया काफ़ी आगे हैं फुटवेयर में, बट हमारी कम्पीट कर रही है, हम लोग उस लाइन में हैं. ख़वातीन को यही कहूँगी कि पेशेंस और फोकस्ड हों. ख़वातीन को अपने को तैयार रखना चाहिए हर वक्त के लिए. ये नहीं है कि उनमें हर किस्म की एबिलिटीज़ हैं एंड दे कैन फेस एनी प्रॉब्लम.